नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल जयगांव मिरर्स में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को एक सूचना देना चाहेंगे। आज से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जानकारी दिया जा रहा है कि जो बाइक चालक हैं, जो बाइक चलाते हैं, तो केवल जो बाइक चलाते हैं उनके लिए ही केवल हेलमेट कंपलसरी नहीं होगा, बल्कि जो व्यक्ति उसके साथ में भी बैठा रहेगा उसके लिए भी हेलमेट कंपलसरी होगा। यानी अगर कोई बाइक में दो सवार हैं तो दोनों लोग को हेलमेट लगाना पड़ेगा। आज से ये जानकारी साझा किया जा रहा है, माइकिंग किया जा रहा है जयगांव प्रशासन, जयगांव ट्रैफिक पुलिस द्वारा। और आप देख सकते हैं अभियान के तहत आज में रोड पे देखा जा रहा है, सबको बताया जा रहा है कि हेलमेट आप लगाएं, जो आपके साथ बैठ के जा रहा है उनका भी जान जोखिम में रहता है तो वो भी हेलमेट लगाएं। ऐसा नहीं है कि हेलमेट केवल आप पुलिस से बचने के लिए लगाते हैं, हेलमेट एक्चुअली आप प्रोटेक्शन के रूप में लगाते हैं, कोई दुर्घटना ना घटे, आप जोखिम आपको ना हो जाए आपको आते जाते, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको जो आप जब बाइक पे जाते हैं आते हैं तो आपके साथ जो बाइक पे बैठे रहते हैं उनका भी हेलमेट लगाना कंपलसरी है। आज से ये अभियान शुरू किया गया है। चलिए हम लोग बात करते हैं। नमस्कार सर, हमारे चैनल जयगांव मिरर्स में स्वागत है। बताइए, आज में क्या कार्यक्रम चल रहा है, ये इसका जानकारी दीजिए। आज के कार्यक्रम হচ্ছে আমাদের উইদাউট হেলমেট, যারা হেলমেট পরে গাড়ি চালাচ্ছেন না তাদের উদ্দেশ্য। আমরা সকাল থেকে আমাদের নির্দেশ আছে, আমরা সকাল থেকে আমাদের এসপি সাহেব বলেছেন, আমাদের অ্যাডিশন সাহেব বলেছেন, সেই নির্দেশ মোতাবেক আমরা সারা জায়গায় মাইকিং করেছি। আমরা জায়গাবাসীর উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে আপনারা যখন টু হুইলার মোটরসাইকেল চালাবেন, একজন ব্যক্তি মোটরসাইকেলে যদি থাকেন তা হেলমেট পরে গাড়ি চালাবেন, যদি দুজন ব্যক্তি মোটরসাইকেলে বসে থাকেন দুজনকেই হেলমেট পরতে হবে, যদি কোনো বাচ্চা আরোহী মোটরসাইকেলে যান তাকে হেলমেট পরিয়ে গাড়িতে বসাবেন। এই উদ্দেশ্যে আমরা জায়গাবাসীর উদ্দেশ্যে বলা, কারণ এত অ্যাক্সিডেন্ট, সেই অ্যাক্সিডেন্ট থেকে রক্ষা করতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বপ্নের প্রকল্প সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ, সেই প্রকল্পকে বাস্তবে রূপ দিতে আমাদের উপর নির্দেশ আছে, প্রতিটা ট্রাফিক ওসির উপরে নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের এসপি সাহেব এবং আমাদের অ্যাডিশনাল সাহেব জায়গা, যে আপনারা কড়া হাতে দমন করুন। যেহেতু ছ মাস লকডাউন ছিল, সেই লকডাউনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢিলে ঢালা হয়েছিল। আজকে সকাল থেকে আমরা সারা জায়গায় মাইকিং করেছি এবং আমরা সকাল থেকে কেস করা শুরু করেছি। উইদাউট হেলমেট বা কোনো মোটরসাইকেল টু হুইলার স্কুটিতে তিনজন প্যাসেঞ্জার দেখলেই আমরা ফাইন করব, সরকারি নিয়ম মাফিক আমরা ফাইন করব, এবং ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে সকলের সহযোগিতা আপনাদের মাধ্যমে আমরা চাইছি। ধন্যবাদ স্যার, আপ সবই কো জানকারি দে দে। আজ মে সবই কো ইয়ে ওয়ার্নিং দিয়া যা রা হ্যায়, সবই কো ইয়ে ইনফরমেশন দিয়া যা রা হ্যায়। অর জেসা কি আপকো সিধা ভিজুয়ালস আপকো দিখা রহে হ্যায়, और आशा यही करते हैं कि जो जन साधारण है, जो पब्लिक है, जो जयगांव पुलिस प्रशासन के तरफ से जो अपील किया गया है उसको मानेगी। और अगली बार से, हालांकि ये देखा जाता है लोग हमेशा जो चलाते हैं वो हेलमेट ज़रूर लगाते हैं, लेकिन पीछे जो बैठा रहता है वो विदाउट हेलमेट होते हैं, तो ये काफ़ी ख़तरनाक है। और सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, काफ़ी समय से ये एक इनिशिएटिव बंगाल सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, एक अभियान चलाया जा रहा है, और आज उसी अभियान के तहत कहा जाए कि अगर बाइक पे जो टू व्हीलर्स है उस पर दो लोग इसी तरह से जाना आना पड़ेगा, दो लोग अगर बैठे हैं तो दोनों लोगों को हेलमेट लगाना अनिवार्य रहेगा। और हम अपने चैनल के माध्यम से भी हमारे जयगांव वासी और सभी जो भी टू व्हीलर्स बाइक या स्कूटी या जो भी चलाते हैं उनसे यही अपील है कि जो प्रशासन है उनका जो इनिशिएटिव है उसको पालन करें। और ऐसा नहीं है कि आप पुलिस से या प्रशासन से बचने के लिए हेलमेट लगाते हैं, वो आपका स्वयं सुरक्षा के लिए है, अपने सुरक्षा के मद्देनज़र आप हेलमेट लगाएं।
और आपके साथ अगर कोई साथी जा रहा है तो उसको भी हेलमेट लगाने के लिए उनको अपील करें, और बिना हेलमेट का तो कतई आप कहीं जाए आए ना। और हमारे चैनल जैगो मिरर्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग जैगो मिरर्स।